सो फ्रेंड्स, सफ़ेद बालों को जड़ से काला करना चाहते हैं, साथ ही साथ अपने सफ़ेद बालों को जो हो चुके हैं उन पे धीरे धीरे कोटिंग करना चाहते हैं और अपने सफ़ेद बाल होने की रफ्तार को कम करना चाहते हैं, तो ये हेयर ऑयल आपके लिए है। वेलकम टू माई चैनल। जैसा कि आप सब जानते हैं, मेरे चैनल पे ग्रे हेयर से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी रेमेडीज हैं जो आपके ग्रे हेयर को नेचुरली काला करती हैं। साथ ही साथ 6 डेज के हेयर रीग्रोथ चैलेंज में मैंने आपको ये शो भी किया है कि किस तरीके से ग्रे हेयर को देखते हुए अपने बालों को ग्रो करना बाय रूट्स, मीन्स रूट से आपने ग्रो करना है और पूरी लेंथ इंक्रीज करनी है। सो ये मेरी 4 से 5 साल की जो जर्नी है सारी मैंने 6 वीडियोज में आपके साथ शेयर की हुई है। सो 6 डेज का हेयर रीग्रोथ चैलेंज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और अच्छा है सारी ऑडियंस के लिए। सो एक बार उसको ज़रूर चेक करिएगा। साथ ही साथ ग्रे हेयर के लिए मैंने काफ़ी सारी नेचुरल हेयर डाइज आपके साथ शेयर की हुई हैं, जिसमें मैंने आपको नेचुरल तरीके से अपने हेयर को काला करने के लिए बताया हुआ है और साथ ही साथ उसका डेमो एंड एप्लीकेशन भी दिया है, जिससे कि आपको ये श्योरिटी हो कि ये हेयर डाई यस काम करती है। और आप अपने श्योरिटी के लिए, अपने अपने आप को कॉन्फिडेंस में लाने के लिए मेरे कमेंट्स को रीड कर सकते हैं कि किस तरीके से वो काम करती हैं। सो आई कॉन्फिडेंटली से कि जो भी नेचुरल तरीके मैं सर्च करती हूँ, रिसर्च करके उसको बना के अप्लाई करके आपके साथ शेयर करती हूँ, जिससे कि मुझे भी कॉन्फिडेंस मिलता है और हैप्पीनेस मिलती है कि आप लोगों के वो किसी न किसी तरीके से काम आती है। सो ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ये बताया करें या फिर मुझे मोटिवेट किया करें, सिंपल हाई हेलो भी कर सकते हैं, सो दैट कि मैं और भी मोटिवेटेड रहूँ और बहुत सारी अच्छी अच्छी रेमेडीज़ आपके साथ शेयर करूँ। सो नेचुरल हेयर डाइज का भी मैंने रिव्यू किया हुआ है, आप जरूर चेक कर लीजिएगा। और इस वीडियो में मैं आपको शेयर करूंगी एक ऐसा मैजिकल हेयर ऑयल जो कि आपके सफ़ेद बालों को जड़ से काला करेगा, प्रीमेच्योर ग्रेइंग को कम करेगा, धीरे धीरे कोटिंग करेगा और आपके बालों में जान लाएगा। सबसे पहले हमने लेनी है लोहे की कढ़ाई। सो इस ऑयल को बनाने के लिए मैं लोहे की कढ़ाई यूज़ करूँगी, आयरन वेसल, और इसमें हम डालेंगे सबसे पहले रतन जोत रूट। सो रतन जोत जो होता है आपके हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, नेचुरल हेयर कंडीशनर के जैसे काम करता है। इसको यूज़ करने से प्रीमेच्योर ग्रेइंग कम होती है, आपके बाल्डनेस रिड्यूस होता है और आपके हेयर लॉस को ये कंट्रोल करता है। सो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा रतन जोत लिया है, इसको ऐड कर दिया है। उसके बाद मैंने लिया है ब्राह्मी। ब्राह्मी हर्ब जो होती है ये भी आपके हेयर के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, आपके बालों को लस्टर एंड ग्लोसी बनाती है, एक लेयर सी बना देती है आपके हेयर के फाइबर के ऊपर जो कि आपके हेयर को शाइन देती है। ब्राह्मी को कंटिन्यूस यूज़ करने से आपके जो हेयर हैं वो काफ़ी हेल्दी फील करते हैं, काफ़ी सॉफ्ट फील करते हैं और डैंड्रफ भी कम हो जाते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स मैंने यूज़ किया है यहाँ पे भृंगराज। भृंगराज में अनगिनत फ़ायदे हैं, भृंगराज राजा माना गया है आयुर्वेदिक हर्ब्स का। सो ये हेयर ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, हेयर फॉल बाल्डनेस को रिड्यूस करता है, डैंड्रफ और ड्राई स्कैल्प को कम करता है, हेयर ग्रोइंग को स्लो डाउन करता है, स्कैल्प के इन्फेक्शन को ट्रीट करता है और हेयर के नरिशमेंट को इम्प्रूव करता है। एंड देन ये आपकी हेल्दी स्किन में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। सो उसके बाद मैंने डाला है यहाँ पे आंवला पाउडर। आंवला पाउडर में अनगिनत फ़ायदे हैं, प्री मेच्योर ग्रेइंग, विटामिन सी, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, सारी प्रॉपर्टीज़ होने की वजह से आंवला पाउडर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और साथ ही साथ ही आपके ग्रे हेयर पे तो मैजिकली वर्क करता ही है। उसके बाद मैंने यूज़ किया है यहाँ पे मेथी दाने का पाउडर। सो मेथी दाने का पाउडर आप घर पे भी यूज़ बना सकते हैं, ये रेडीमेड वाला मैं यूज़ कर रही हूँ। सो दो एक चम्मच की जितना मैंने यहाँ पे फैनुगिक सीड्स का पाउडर लिया है, इसको भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है और अच्छे से इन सबको रोस्ट कर लिया है। सो यहाँ पे रोस्ट करने के बाद जब ये ब्राउन हो जाते हैं तो उसके बाद आपने इसमें डालना है ऑयल। यहाँ पे मैंने डाला है सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल यूज़ किया है, अगर आप चाहें तो इसमें कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे 200 ml के जितना मैंने मस्टर्ड ऑयल यूज़ किया है और उसको कढ़ाई में ऐड कर दिया है। सो फ्रेंड्स, इसमें मैंने कुछ शिकाकाई की पोड्स भी डाली हैं, ये आप शिकाकाई देख सकते हैं जो आपके बालों में शाइन और लस्टर देती हैं, इसको मैंने अच्छे से क्रश करके इसमें डाल दिया था और इसको भी रोस्ट कर लिया है। उसके बाद आप देख सकते हैं इसमें मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला है। मस्टर्ड ऑयल डालने के बाद आप हल्का सा इसको गर्म होने दें और फिर छोड़ दें, इसको हमने और ज़्यादा बॉयल नहीं करना है, ऑयल में इसका सत आ जाएगा क्योंकि ऑलरेडी हमारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं गर्म है। उसको डाल के छोड़ दें आप कुछ टाइम के लिए और उसके बाद आपने इसको छानना है। छानने के बाद आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा कलर आया है। कपड़े की हेल्प से छानेंगे तो आपको ये ग्रैनुअल्स नहीं दिखेंगे और ये ग्रैनुअल्स जब नहीं होंगे तो आपको जो परफेक्ट हेयर ऑयल मिलेगा और उसको लगाने का मज़ा ही कुछ अलग होगा। सो इसको
प्रेफरेबली आप कपड़े की हेल्प से ही छानिएगा, और इसको आपने वीक में ट्वाइस यूज़ करना है। आप इसको लगा के रख भी सकते हैं, मीन्स ऐसा नहीं है कि आपने आज लगाया तो इसको कल वॉश ही करना है। बट येस, अगर आप इसको नहाने से लाइक 24 घंटे पहले लगा के रखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा असर आता है, और मिनिमम 2 घंटे तो है ही। और अगर आप लगाना चाहें तो इसको 2-3 दिन भी लगा के रख सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो इस तरीके से आपने इसको अप्लाई करना है अपने हेयर के ऊपर। आप इसको अपने दाढ़ी मूछ पे भी लगा सकते हो, हेयर पे लगा सकते हो, और फिर नेक्स्ट डे वॉश करना है, शैम्पू करना है, और उसके बाद आप कंडीशनर यूज़ कर सकते हो। सो ये हेयर ऑयल जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और अच्छा है, साथ ही साथ किचन के इंग्रेडिएंट से बनाया गया है। एंड आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, रेमेडी अच्छी लगी होगी। सो आगे मिलते हैं अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।